pulling out flowers. Pulling out flowers. Benny has a garden. Hello everyone, welcome to my channel. बच्चों के लिए बुक्स रीड करना कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हमें पता है, बट हम सब एक ही चीज़ पे आके अटक जाते हैं कि करना कैसे है। मैंने अपने बड़े बच्चे को फर्स्ट टाइम बुक इंट्रोड्यूस किया था 2 साल के एज पे, और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसको इतने डिफिकल्ट वर्ड समझ में नहीं आएंगे, उसके सामने रीड करके फ़ायदा नहीं है। उस स्टोरी को समराइज करके ईजी लैंग्वेज में मैं अपनी बेटी को बताती थी और उसके बाद स्टोरी बुक कभी भी नहीं निकलती थी। ये एक मिस्टेक था जो कि मैंने अपने सेकेंड बच्चे में रिपीट नहीं होने दिया और मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो चीज़ मैंने अपने सेकंड बच्चे में सीखी है वो आप अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही सारी बातें मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए बच्चों के सामने बुक्स रीड करना। 0 to 1 ईयर में आपकी चॉइस है, 1 to 2 ईयर में हमें स्टार्ट कर देना चाहिए और 2 साल के बाद हमें डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए। बेबी, विच स्टोरी बुक यू वांट टू रीड? चूज बेनी, दिस इज विच वन? फायर क्रैकर वाला। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि मेरा बेटा चूज कर पा रहा है कि उसको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक वो मुझसे रीड करवाना चाहता है। ये चीज उसको इसलिए आता है क्योंकि जब वो 1 साल का था, मैं अपनी बेटी को जो कि उस वक्त 3 साल की थी, तो उसको मैं स्टोरी बुक्स रीड करती थी उसके सामने और वो हमें ऑब्जर्व करता था। तो 1 साल से लेकर 1.5 साल तक के बीच में उसने बहुत सी बुक्स हमारे पास देख ली और उसके बाद उसको बुक्स में इंटरेस्ट खुद से डेवलप हो गया। इसीलिए अर्ली एक्सपोजर इतना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि इतने छोटे बच्चे के साथ स्टोरी रीडिंग कैसे की जाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है, हमेशा फॉलो करिए वर्ड बाय वर्ड पैटर्न। हिज क्लासरूम इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गार्डन। हम चाहे बच्चा 1 साल का हो या 2 साल का हो, आपको वर्ड बाय वर्ड ही जाना है। आपको लगेगा कि बच्चा समझ नहीं रहा है, पर बार बार एक ही स्टोरी को सुनते सुनते उसको वो वर्ड्स याद हो जाते हैं और उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड्स हमेशा के लिए ऐड हो जाते हैं। उसके बाद 1 साल का बच्चा आराम से पेज टर्न कर सकता है, तो आप बच्चे को एंकरेज करिए नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। टर्न द पेज, यस, नाउ नेक्स्ट पेज, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ताकि वो उसमें एंगेज रहे, उसको एक्साइटमेंट रहे कि नेक्स्ट पेज पे क्या आने वाला है। उसके बाद बच्चों को एंकरेज करिए कि उस पेज पे जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा अगर कोई ड्राइंग बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, तो उसको भी बच्चे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एंड व्हाट आर दीस? सर्कल। एंड व्हाट इज दिस ऑन द टेबल? बुक। एंड बुक विथ? पेन। उसके बाद हमेशा उनसे क्वेश्चंस पूछते रहिए। डज बेबी नो हाउ टू यूज पेन? यस। Yes. Where does he go? School. Yes. जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि आप जितने उनको क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चे उतने ही देर तक आपके साथ एंगेज रहेंगे। उसके बाद जब भी आप स्टोरी पढ़ते हैं तो हमेशा एक्सप्रेशन के साथ पढ़िए। Does baby play with plants? Yes. You play with plants? Baby should not play with plants. के बाद अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, यानी कि 2 से 3 साल का है, तो वो एक फुल सेंटेंस 3 वर्ड का या 4 वर्ड का बोल पाता है। बेनी हैज अ किचन गार्डन। एक लाइन अगर पढ़ते हैं तो उसका हाफ पढ़िए और उसको कंप्लीट करने के लिए बच्चे को बोलिए। तो अगर आपने स्टोरी बुक बहुत बार बच्चे को दी है, रेगुलरली देते हैं, तो वो डेफिनेटली उन लाइंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बुक्स को हमेशा रिपीट करते रहिए। जो गलती मैंने की थी वो आपको नहीं करनी है। एक स्टोरी बुक अगर आपने लिया है तो 3 दिन लगातार वो बुक यूज़ करिए, उसके बाद आप बुक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगले हफ्ते आप फिर से वही बुक लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही कॉमन सिचुएशन आती है कि बच्चे अटेंशन नहीं देते हैं, बच्चे 10 मिनट्स भी आपके साथ नहीं बैठते हैं, वो अपना खेलते रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों को हम स्टोरीज कैसे पढ़ेंगे? इनिशियली आप सिर्फ 2 लाइन भी पढ़ेंगे तो उसके वर्ड्स बच्चे कैच करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप उनका जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है उसके बाद आप उनको लाइन्स बढ़ा सकते हैं, पेजेस बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको उनका एग्जाम्पल बनना है, और हमारे केस में मैं और मेरी बेटी जब मैं उसके लिए रीड करती हूँ तो वो मेरे बेटे के लिए एग्जाम्पल बनता है, एंड वो हम लोग को देख के इंस्पायर होता है कि हम स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी अपनी स्टोरी बुक लेके आता है मेरे पास कि मुझे भी पढ़ाओ। तो आप खुद से स्टोरी बुक लीजिए, जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और उसी एक्साइटमेंट से पढ़िए, सारे एक्सप्रेशंस दे दे के। तो बच्चा डेफिनेटली, आप अगर इसको ट्राई हर दिन ट्राई करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली आपके पास इंटरेस्ट लेके आएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है कि उनको हमेशा चॉइस दीजिए कि उन्हें कौन सी स्टोरी बुक पढ़नी है, बिकॉज अगर आप हमेशा अपने चॉइस की बुक निकालेंगे तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ना दिखाएं। इसमें से कौन सा चूज करना है तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन सा पढ़ना है? मुझे ये वाला चाहिए। बेनी वाला चाहिए? ये कौन सा है? उसके बाद एक चीज़ आप कर सकते हैं कि स्टोरी पढ़ते हुए आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस आवाज़ को आप रात को सोते वक्त या फिर आप जैसे बच्चा खाना खा रहा है तो उस टाइम पे उनको वो स्टोरी सुना सकते हैं अपनी आवाज़ में, तो उनकी लिसनिंग स्किल भी इससे इम्प्रूव होती है। अगला सवाल आता है कि किस तरह की स्टोरी बुक्स लेनी होती है छोटे बच्चों के लिए, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए, तो इस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, स्टोरी टेलिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, और बुक्स फॉर 1 to 2 एंड 2 to 3 ईयर ओल्ड, इन पर अलग वीडियो बना हुआ है, तो वो डेफिनेटली देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसको उनके रूटीन में डाल दीजिए, जिस तरह से बच्चा रोज नहाता है खाता है, स्टोरी रीडिंग भी उनके रूटीन का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मेरे बच्चे को इसलिए आते हैं क्योंकि वो रेगुलरली इन स्टोरीज़ को सुनता है। इस पर एक स्टडी भी है जिसके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट 3 तरह के बच्चे को कंपेयर किया था, एक जिसको कि हम 15 मिनट्स का रीडिंग कराते हैं हर दिन, उसके बाद दूसरा जिसको हम 5 मिनट्स का रीडिंग कराते हैं, तीसरा जिसके सामने हम 1 मिनट का रीडिंग करते हैं। 5 से 6 साल के एज पे मैक्सिमम वोकैबुलरी कैटेगरी 1 के बच्चों की थी, यानी कि जिसको हम 15 मिनट्स का रीडिंग एवरी डे करते हैं। इसीलिए अगर आप स्पेशली बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चे को ज़्यादा वर्ड सिखाना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग एवरी डे ही करना है बच्चों के साथ। इन सारी चीज़ों को जब आप रेगुलरली फॉलो करेंगे अपने बच्चे के साथ, तो आपको 1 मंथ में ही उनमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएगा। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।